नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप एक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज है कि वॉशिंग मशीन कितने टाइप की होती हैं, इनके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं, कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन में आपको अच्छी धुलाई मिलती है, किस टाइप की वॉशिंग मशीन आपके कपड़े अच्छे से सुखा देती है और किस साइज की वॉशिंग मशीन आपकी फैमिली के लिए बेस्ट है, तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करती हैं और किन लोगों के लिए कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन बेस्ट होती है। साथ ही साथ हम इन तीनों वॉशिंग मशीन को 5 पैरामीटर्स में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन से पैरामीटर में कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन अच्छी होती है। वो पैरामीटर है नंबर 1 बजट, नंबर 2 वॉश क्वालिटी यानी कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन आपके कपड़े अच्छे से धो देती है, नंबर 3 स्पिन एंड ड्राइंग साइकिल यानी कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, नंबर 4 मेंटेनेंस एंड सर्विस एंड नंबर 5 पावर एंड वाटर रिक्वायरमेंट, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट वॉशिंग मशीन सेलेक्ट कर सकें। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वॉशिंग मशीन खरीदते समय सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये आता है कि कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। दोस्तों, टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को फर्दर क्लासीफाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सबसे पहले बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। दोस्तों, इंडिया में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इनको चलाना काफ़ी आसान होता है और ये कम स्पेस कवर करती हैं। इनके अंदर आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, एक होता है वॉशर जिसमें कपड़े वॉश किए जाते हैं और एक होता है ड्रायर जिसमें कपड़े ड्राई किए जाते हैं। इनमें आपको कुछ मैकेनिकल कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इनके एडवांटेज की बात करें तो ये अफोर्डेबल प्राइस पे आती हैं, इनको चलाना काफ़ी आसान होता है और ये कम स्पेस कवर करती हैं। और यदि आपके यहाँ रेगुलर वाटर सप्लाई की समस्या है तो ये वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट होती हैं, क्योंकि इनमें आप बकेट से पानी डाल के कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। इनमें आप वॉश साइकिल के दौरान कपड़ों को बीच में ऐड कर सकते हैं। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो यदि आपको कमर दर्द की समस्या रहती है तो इनमें कपड़े वॉश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनमें आपको मैनुअल एफर्ट ज़्यादा लगाना होता है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, इनमें आप कपड़े को डाल दीजिए, वॉश साइकिल को सेलेक्ट कर दीजिए, ये वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को ऑटोमेटिकली वॉश कर देती हैं। इनमें आप वॉश साइकिल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सबसे पहले बात करते हैं टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। दोस्तों, इन वॉशिंग मशीन में कपड़ों को टॉप से लोड और अनलोड किया जाता है, इसलिए इन्हें टॉप लोड वॉशिंग मशीन कहते हैं। ये डिजाइन में काफ़ी कॉम्पैक्ट होती हैं और कम स्पेस कवर करती हैं। इनमें आपको कई तरह की वॉश साइकिल मिल जाती हैं जिनका यूज़ करके आप कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ इनमें आपको कई तरह के एडवांस फीचर मिल जाते हैं। इनके एडवांटेज की बात करें तो ये इजी टू यूज़ होती हैं। इनमें कपड़ों को लोड करना और अनलोड करना काफ़ी आसान होता है और इनमें आप वॉश साइकिल के दौरान बीच में कपड़ों को ऐड कर सकते हैं वॉश करने के लिए। टॉप लोड वॉशिंग मशीन का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कम होता है कम्पेयर टू फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो दोस्तों, इनमें रेगुलर वाटर सप्लाई की जरूरत होती है विद नॉर्मल वाटर प्रेशर। यदि आपके यहाँ रेगुलर वाटर सप्लाई का इशू है या फिर आपके घर में वाटर पाइप में वाटर प्रेशर कम है तो आप इन वॉशिंग मशीन को प्रीफर ना करें। टॉप लोड वॉशिंग मशीन की स्पिन स्पीड कम होती है, फ्रॉम 600 RPM to 800 RPM। स्पिन स्पीड होती है RPM में रोटेशन पर मिनट। दोस्तों, जिस वॉशिंग मशीन की स्पिन स्पीड ज़्यादा होती है वो वॉशिंग मशीन उतना ही अच्छे से आपके कपड़ों को सुखा देती है, यानी टॉप लोड वॉशिंग मशीन कपड़ों को उतना अच्छे से नहीं सुखा पाती कंपेयर टू फ्रंट लोड और सेमी ऑटोमेटिक। वहीं बात करें फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, तो दोस्तों, फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की वॉशिंग मशीन होती हैं। इनमें आप क्लोथ्स को फ्रंट से लोड और अनलोड कर सकते हैं। ये वाटर एफिशिएंट होती हैं, पावर एफिशिएंट होती हैं और इनमें आपको बहुत सारे प्रोग्राम और फीचर्स मिल जाते हैं जिनको सेलेक्ट करके आप अपने कपड़ों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इनके एडवांटेज की बात करें तो ये वाटर एफिशिएंट होती हैं। इनमें 40% वाटर कम यूज़ किया जाता है कंपेयर टू टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसकी वजह से वाटर, डिटर्जेंट और क्लोथ्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और आपके कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं। ये पावर एफिशिएंट होती हैं, जिसकी वजह से इनका रनिंग एक्सपेंस कम आता है। इनकी स्पिन स्पीड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज, इनमें आपको इनबिल्ट हीटर का फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से ये वॉशिंग मशीन कपड़ों को गर्म पानी से वॉश करती है, इवन स्टीम से वॉश करती है और आपको हाइजीनिक क्लीन मिल जाती है। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो ये स्लाइटली एक्सपेंसिव होती हैं और इनको भी यूज़ करने के लिए रेगुलर वाटर सप्लाई की जरूरत होती है। इनका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, क्योंकि इनमें गेट सामने की तरफ होता है जिसमें कई बार आपको लीकेज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इनके फ्रंट गेट में जो रबर सील लगाई जाती है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वो जल्दी से खराब नहीं होती।
तो दोस्तों ये तो ही टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन की बात। इनके अलावा दूसरा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि किस साइज की वॉशिंग मशीन आपकी फैमिली के हिसाब से बेस्ट होगी। दोस्तों वॉशिंग मशीन की साइज की बात करें तो ये केजी में आती हैं और वॉशिंग मशीन का सही साइज डिपेंड करता है आपके कपड़े धोने के तरीके में। यानी यदि आप एक वीक में एक बार कपड़े धोते हैं तो आपके लिए बड़े साइज की वॉशिंग मशीन सही रहेगी। वहीं यदि आप एक वीक में कई बार छोटे छोटे लॉट्स में कपड़े धोते हैं तो आपके आपका काम छोटे साइज की वॉशिंग मशीन में चल जाएगा। वहीं फैमिली साइज की बात करूँ तो यदि आपकी फैमिली में 2 मेंबर हैं तो 6.5 केजी, 3 to 4 मेंबर हैं तो 7 केजी, 4 to 6 मेंबर हैं तो 8 केजी और इससे ज़्यादा हैं तो 9 केजी और 10.5 केजी का साइज आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों अब आपको पता लग गया कि वॉशिंग मशीन कितने टाइप की होती हैं और आप कैसे सही साइज की वॉशिंग मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन बेस्ट होती है, लेकिन उससे पहले इन वॉशिंग मशीन को 5 पैरामीटर पर कंपेयर करते हैं ताकि ये पता लग सके कि कौन से पैरामीटर के हिसाब से कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट है, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। इनमें सबसे पहला पॉइंट होता है बजट। दोस्तों बजट की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्राइस रेंज में कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन आती है। प्राइस रेंज की बात करें तो यदि आपका बजट 8,000 से 15,000 के आसपास है तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके लिए सही रहेगी। वहीं यदि आपका बजट 12,000 से 25,000 है तो टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके लिए सही रहेगी। वहीं यदि आपका बजट 25,000 से 1 लाख है तो आपके लिए फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सही रहेगी। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्राइस रेंज में आप कौन सी वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें तो वो है वॉश क्वालिटी, यानी कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन आपको सबसे अच्छी धुलाई देती है। दोस्तों ऑनेस्टली वॉश क्वालिटी की बात करें तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। किसी को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की धुलाई अच्छी लगती है और किसी को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की धुलाई। लेकिन यदि एडवांस टेक्नोलॉजी और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें तो सबसे अच्छी धुलाई आपको फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मिलती है, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट, वाटर और क्लोथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और आपके कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो यदि आपका वॉश क्वालिटी क्राइटेरिया है तो आपके लिए फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक बेस्ट चॉइस बन जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है स्पिन स्पीड और ड्राइंग साइकिल, यानी कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को अच्छे से सुखा देती है। दोस्तों जिस वॉशिंग मशीन की स्पिन स्पीड ज़्यादा होती है वो वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को अच्छे से सुखा देती है। यानी स्पिन स्पीड की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको 1400 RPM तक की स्पिन स्पीड मिल जाती है। वहीं टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको मैक्सिमम 800 RPM की स्पिन स्पीड मिल जाती है। यानी यदि आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो आपके कपड़ों को अच्छे से सुखा दे तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या फिर फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, मेंटेनेंस एंड सर्विस। और दोस्तों ये पॉइंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें तो इनका डिजाइन काफ़ी सिंपल होता है और इसमें आपको कोई भी एडवांस फीचर नहीं मिलता, इसीलिए इनका मेंटेनेंस एंड सर्विस काफ़ी कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। वहीं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें तो फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, कई सारे फीचर्स और वॉश प्रोग्राम होते हैं जिसकी वजह से इनका रिपेयरिंग कॉस्ट या फिर ये कहें मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यदि आपका मेंटेनेंस एंड सर्विस क्राइटेरिया है तो आपके लिए सेमी ऑटोमेटिक या फिर टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सही रहेंगी। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पैरामीटर, वाटर एंड पावर कंजप्शन। वाटर कंजप्शन की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में रेगुलर वाटर सप्लाई की जरूरत नहीं होती और इनमें आप बकेट से पानी डाल के अपने कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। वहीं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें, चाहे वो फ्रंट लोड हो या फिर टॉप लोड, इनमें रेगुलर वाटर सप्लाई की जरूरत होती है विद नॉर्मल वाटर प्रेशर। हालांकि फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ज़्यादा वाटर एफिशिएंट होती हैं। वहीं पावर कंजप्शन की बात करें तो ये मेनली डिपेंड करता है वॉशिंग मशीन की स्टार रेटिंग पे। जितने ज़्यादा स्टार रेटिंग होती है उतना ही वॉशिंग मशीन का रनिंग एक्सपेंस कम आता है। हालांकि इस पॉइंट पर भी फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ज़्यादा पावर एफिशिएंट होती हैं। तो यदि आपका वाटर कंजप्शन या फिर पावर कंजप्शन क्राइटेरिया है तो आपके लिए सेमी ऑटोमेटिक या फिर फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सही रहेगी। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को एनालिसिस करने के बाद आप बात करते हैं कि किन लोगों के लिए कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन बेस्ट होती है। तो यदि आपका बजट कम है और आपके यहाँ रेगुलर वाटर सप्लाई का इशू है या फिर आपके घर में वाटर प्रेशर का इशू है और आप फर्स्ट टाइम एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो आपके कपड़ों को अच्छे से धो के सुखा दे तो आपके लिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बेस्ट चॉइस बन जाती है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं। इनमें से एक है LG 8KG 5-star सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरी है सैमसंग की तरफ से 7.2KG सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इन दोनों ही वॉशिंग मशीन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लिंक पर क्लिक करके इनको परचेज कर सकते हैं। वहीं यदि बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों यदि आप एक ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पर आए, इजी टू यूज़ हो और जिसका मेंटेनेंस भी कम हो तो टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है। टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं।
इनमें से एक है LG 8 kg इन्वर्टर फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन और दूसरी है पैनासोनिक 8 kg 5-स्टार फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन विद इनबिल्ट हीटर। ये दोनों ही वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छी हैं। और यदि आप टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं यदि आपको कोई बजट का इशू नहीं है और आप एक ऐसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो पावर एफिशिएंट हो, वाटर एफिशिएंट हो, आपके कपड़ों को अच्छे से धो के सुखा दे और आपको उसमें सभी एडवांस फीचर मिल जाएं, तो फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है। फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं। इनमें से एक है LG 8 kg 5-स्टार इन्वर्टर वाईफाई फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरी है बॉस 8 kg फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं यदि आप बेस्ट फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में से कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।